मैं आ गया। आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ, कभी बता भी दिया करो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। हाँ, और सुना, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी वीडियोस देख रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी रिपोर्ट्स देख रहे हो? डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो? मुझे पता है आप मेरी बहुत फिक्र करते हो। मैं भी आप लोगों का बहुत फिक्र करती हूँ, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना अपने रिपोर्टों का ना फिक्र करना छोड़ दिया। पता क्यों? छोटी सी तो जिंदगी है, फिर क्या फायदा? एक दिन ठीक निकलते हैं, 2 दिन खराब निकलते हैं। नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। थोड़े दिन मैंने बोला था कि जिंदगी कितनी होती है, 60 की है ना, पर बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं, 60 की उम्र में बंदा क्या करता है? कुछ भी नहीं, 50 की होती है ना। उसके बाद मैंने इंस्टा पर पढ़ा तो 40 की होती है जिंदगी। हाँ, 40 की भगवान देते हैं जिंदगी, तो फिर जी लो। अब देखो, 30 ईयर्स की तो हो गई मैं, मेरे पास कितने 10 साल 15 साल बचे हैं, है ना। मैं तो भगवान से यही कहती हूँ, मुझे ना 45 ईयर्स की दे दे जिंदगी। अब मैक्सिमम 50 की, उससे ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए। पहले मैंने बोल दिया तो गलती से 60 60, अब नहीं मैं बोलती, नहीं, 50 50 बहुत है। और उसमें ना मुझे इतना कुछ करना ना पूछो मत। और ना आप मेरी प्लानिंग सुन के हैरान रह जाओगे, मैं क्या क्या सोचती हूँ। हाँ, मैं उन जैसे पेंडू लोगों के जैसे नहीं हूँ जो गोवा में रहते होते हैं, किसी पहाड़ों के किसी छोटे से गांव में रहते होते हैं और अपने 50वीं सालगिरह आने, शादी की, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। बताओ, हद है ऐसे लोगों का। अनपढ़ता खत्म नहीं होती हमारे देश में कभी भी। देखो, 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत है? अगर किसी की शादी को 50 साल हो गए तो दैट मीन्स वो लोग 70 से तो ज्यादा ही होंगे ना। 70 से 70 साल में क्या जिंदगी होती है? कुछ भी नहीं। मैं तो हैरान रह गई, लोग अपने बच्चों को पोतों के साथ, अपने नाती दोतों के साथ केक काट रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जयमाला डाल रहे हैं। हाय, मैं तो हैरान रह गई, इतने बैकवर्ड सोच वाले लोग हैं। जिंदगी तो है ही नहीं, बची नहीं इतनी कि आप 50th मैरिज एनिवर्सरी मना सको, गोल्ड जुबली मना सको अपनी शादी की। ना ना, खैर मुझे क्या, मैंने कोई कौन सा केक अलग ले रखा है इन लोगों का, जो मर्जी करते रहे, मुझे क्या है। पर देखो, जिंदगी होती है 50 साल तक, 45 50 तक। मैंने इतनी देर में ऐसे ऐसे काम करके जाना है कि आप मेरे जाने के बाद, जाने के मेरी मौत के बाद भी मुझे याद करोगे। मौत, जब मौत होती है आपके साथ कुछ नहीं जाता, आपके सूट, आपकी ज्वेलरी, आपकी चप्पलें, आपके कपड़े, कुछ आपके साथ नहीं जाना, कोई रिश्ता भी नहीं जाना आपके साथ, आपका सिर्फ नाम रह जाना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिंदगी में कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। हाँ ठीक है, मैं कोई परवाह नहीं करती कि मेरे, जब तक मैं जिंदा हूँ लोग मुझे गालियाँ निकालते हैं, आई डोंट केयर। पर जब मैं मर जाऊँ तो लोग मुझे याद करें। मेरा प्लान सुनोगे ना आप लोग, हैरान रह जाओगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि इस चैनल पर तो मुझे सच बोलना होता है ना, तो मैं बता रही हूँ, वहाँ नहीं बताया मैंने। अच्छा, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, आप सब लोग बोलते तो हो कि आंटी लोगों के साथ जो हाउस हेल्पर्स होती है उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, क्योंकि देखो, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि आप उनको कुछ भी दे दो, है ना, कुछ भी सुन लो, क्या पता उनको समझ आता है नहीं आता है, पर वो दे आर गुड स्पीकर्स, आपको अच्छी तरह से सुनती हैं। आपके रिश्तेदार नहीं सुनते आपको अच्छी तरह से, मेरी तो माँ नहीं सुनती मुझे अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये भी है, देखो, मेरे तो कोई बच्चे नहीं है ना, पर जो देखो आंटियों के 4 4 5 5 बच्चे होते हैं, इनको देख के मुझे इंस्पिरेशन आती है। मुझे भी दिल करता है कि मेरे मेरा भी एक बच्चा तो हो, इनके 5 5 बच्चे हैं और कितने गरीब हैं ये लोग, है ना। तो मुझे ना सभी आंटियों के साथ, सभी हाउस हेल्पर्स के साथ बहुत प्यार हो जाता है, बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है मेरा। तो आने वाली जिंदगी में ना मैं अपने जो हाउस हेल्पर्स हैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ मेरी हाउस हेल्पर्स नहीं या मेरी आंटियाँ नहीं, आपके हाउस हेल्पर्स के लिए भी, सारी दुनिया के हाउस हेल्पर्स के लिए, नहीं सारी दुनिया तो नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी, कम
कम से कम इंडिया के हाउस हेल्पर्स के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने यही सोचा है क्योंकि देखो मैंने रियलाइज किया है, मतलब कितने साल की, मैं 30 साल की हो गई हूँ, कि मेरी सिर्फ बनती है सिर्फ हाउस हेल्पर से या फिर या कह लो आंटियों से, है ना, उनसे बनती है। मैं शुरू से आपको बताया ही है, कई बार आपको याद ही होगा सबके बच्चे भी हैं, बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो मैंने सोचा है कि मैं हाउस हेल्पर्स के लिए, आंटियों के लिए कुछ मैं इंतज़ाम करूं। तो मैंने सोचा कि मैं हाउस हेल्पर्स की एक एजेंसी खोलने वाली हूँ। वैसे तो बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी एजेंसीज हैं ही हैं, पर जो अनपढ़ आंटियाँ होती हैं, अनपढ़ हाउस हेल्पर्स होती हैं, उनको नहीं ना कुछ पता होता, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके लेवल की एक एजेंसी खोलना चाहती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये जो काम है ना, मैं ग्राउंड लेवल से शुरू करने वाली हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। पहले मैं खुद आंटी के साथ जाके देखूँगी। हाँ, एक वीक का मैं सर्वे करूँगी, एक वीक तक मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट हर रोज़ की डिफरेंट आंटी के साथ जितने भी घरों में जाती है काम करने के लिए मैं साथ जाऊँगी, और वहाँ देखूँगी कि आंटी लोग कैसे कैसे काम करते हैं, डिफरेंट घर में डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं, और कैसे टैकल करते हैं अपने क्लाइंट को, मतलब जो उनसे काम करवाते हैं, तो कैसे हैंडल करती हैं, ये भी सब कुछ सीखना मैं ग्राउंड लेवल से शुरू करूँगी। हाँ, और आंटी लोगों के घर जाके भी देखूंगी कि उनके कितने कितने बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं उस आंटी को अपनी एजेंसी में बिल्कुल नहीं लूँगी जिनके कोई भी बच्चा यूट्यूब पे आना चाहता होगा, फिर तो वो मेरा फ़ायदा उठा लेगा ना, वो आंटी कांटा मारूँगी उस पर। तो ऐसे ना मैं जो गरीब आंटी लोग हैं ना, उनको मैं हायर करूँगी, और फिर मैं ना घरों की क्लीनिंग के लिए ठेका लिया करूँ, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया करूँगी क्लीनिंग का, कुकिंग का, है ना, फिर अपने एम्प्लॉय भेज के उनका काम करवाया करूँगी, है ना। बिजनेस माइंडेड गर्ल हूँ मैं, बनूँगी बिजनेस वुमेन, बनने वाली हूँ बहुत जल्दी। वैसे बट्टू पता क्या कह रहा था, बट्टू कह रहा था कि साथ जाके नहीं पता चलेगा आंटी के, ऐसे कर तू एक मंथ तक ना खुद आंटी बन जा। हाँ, भट्टू कहता कि एक मंथ तक ना तू अलग अलग घरों में ना खुद खुद हाउस हेल्पर बन के काम करके देख, फिर तुझे रियलिटी पता चलेगी, फिर तू मतलब के वेजेस डिसाइड कर सकेगी, सारी चीज़ें इजीली डिसाइड करेगी। ये भी मुझे कुछ अच्छा आइडिया लगा है, इस पर भी मैं सोच रही हूँ कि ये भी ठीक है, और न्यू व्लॉग्स भी आएंगे, है ना, कि व्लॉगर बनी हाउस हेल्पर। ये आइडिया भी अच्छा है, बस करना है तो मुझे सिर्फ करना है हाउस हेल्पर्स, मतलब कि आंटियों के बारे में करना है, या आंटियों के बच्चों के बारे में। तो खुद ही हो जाएगा जब आंटियों के बारे में करेंगे कि उनकी इनकम जो है ना सिक्योर रहे, है ना। और ये मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे सफाई वगैरह का कितना शौक है, तो मैं क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करूँगी, जैसे एक पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करूँगी। अगर उस बिल्डिंग में 200-300 फ्लैट्स हैं, तो सारे फ्लैट्स मेरे पास होंगे, और मेरी जो आंटियाँ होंगी, हाउस हेल्पर्स होंगी, वो रेगुलर उस पर काम करेंगी। ये एक न्यू टेक्निक मैं इन्वेंट करने जा रही हूँ, आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। मतलब कि आपको आंटी या हाउस हेल्पर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप सिर्फ मुझे हायर करो, मेरी एजेंसी को, मेरी कंपनी को आप लोग कॉन्टैक्ट करो, उस मेरे से बात करो, तो मैं मतलब सफाई का जिम्मा मेरा, जैसे मैं जी करवाऊँ, किसी से भी करवाऊँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके घर की या समझो आपके फ्लैट्स की क्लीनिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं चाहे किसी से भी कराऊं, आपका घर रोज़ क्लीन होगा कैसे भी हो, ये मैंने देखना है और किसी ने नहीं देखना। आपको आंटियों से बात तक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो मेरा काम है। देखो कितना अच्छा आइडिया दिया है मैंने,
ये आइडिया मुझे कैसे आया आप सोच रहे होगे। देखो आप सब लोग तो तंग आए हुए हो अपनी हाउस हेल्पर्स आंटियों के साथ चिक चिक करके, आज नहीं आई कल नहीं आई, ये हो गया वो हो गया, छुट्टी लेके भाग गए, संडे को काम नहीं करते, कितने इश्यूज हैं आप लोगों के। मेरा कोई इश्यू होता नहीं क्योंकि मुझे बहुत प्यार है आंटियों से और हाउस हेल्पर से, तो मुझे पता है कैसे काम करवाना है उनसे। तो फिर मैंने सोचा कि डम्बोनिका ये तुझ में कला है आंटियों को टिकाने की, मतलब कि हाउस होल्पर को टिका के रखने की कला तो है डम्बोनिका तुझ में, इस पे कुछ कर। तो फिर जो जिसको आता होगा वही करेगा ना, उसी का ही बिजनेस चलेगा ना फिर। ठीक है ये मैंने सीक्रेट बता दिया आपको, पर मेरे मेन चैनल पर नहीं होगा ये सीक्रेट, नहीं बताऊंगी मैं। अच्छा जो मेरी क्लीनिंग एजेंसी होगी, जो मेरी कंपनी होगी, उसका नाम तो वैसे तो डम्बोनिका पर ही होगा, पर अगर आपको कोई अच्छा सा नाम आता हो ना तो मुझे सजेस्ट करना कि मेरी अगर मेरी होती है क्लीनिंग एजेंसी तो मैं क्या नाम रखूँ है, क्योंकि फिर आप मुझे कॉल करोगे ना, मुझे यूट्यूब पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दिया करूँगी। ठीक है नहीं, आप ना आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई अच्छे अच्छे नाम लिख के मुझे बताना कि क्या नाम रखूं, बढ़िया सा अच्छा सा नाम लिख के बताना। ठीक है चलो मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय पी के ना मुझे ऐसे ऐसे शानदार जोरदार आइडियाज आते हैं। ओ नहीं, चाय के साथ भी आते हैं वैसे, हाँ वो दूसरा टॉयलेट सीट पर भी आते हैं बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज, पर मैं वहाँ चाय नहीं पीती। चाय तो मैं बेडरूम में पी लेती हूँ, ठीक है मैं चाय पीती हूँ फिर सोचती हूँ, अगर नहीं आया तो फिर सुबह सुबह जब टॉयलेट जाऊँगी ना तब सोचूंगी कि कोई अच्छा सा नाम बता दो, फिर मैं आगे चलाऊँ कंपनी अपनी, एजेंसी एजेंसी चलाऊँ, है ना। चलो आप भी बना लो चाय और पी लो, और अच्छा अच्छा नाम सोच के लिखो फिर। ठीक है जाती हूँ मैं।